अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो पे बहुत अच्छा फीडबैक दिया और कीप सपोर्टिंग मी। पूरी पूरी कोशिश करूँगा मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है आपको डिलीवर करूँ, और ताकि आप ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के टॉपिक के हवाले से हम बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक जो है वो अभी करंटली जो है वो जिस तरह की वेदर कंडीशन चल रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस हवाले से हम ज़रा बात कर लेते हैं कि आखिर ये क्या वजह है, क्यों हो रहा है, और इसकी क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इस हवाले से हम क्या कर सकते हैं जे जो है वो जिसकी वजह से बेहतरी आए हमारी वेदर कंडीशंस में। या जो बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हुई है या ग्लोबली बहुत ज़्यादा वेदर चेंज हुआ हुआ है, इसको हम किस तरह से स्टेबल कर सकते हैं, किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं, तो उस हवाले से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज बेसिकली हो क्यों रहा है? सबसे पहली बात तो कि आपने बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के हवाले से। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि आपके अर्थ के सरफेस को कवर किए हुए हैं। अब वो जब अनस्टेबल होती हैं, उनकी जो अमाउंट है या जो भी उनका जो रेशियो है वो जब बढ़ता है, तब में ये होता है कि उसके अंदर जो बहुत सारी गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सब, इनकी जब क्वांटिटी बढ़ती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो कार्बन गैस जो है वो हार्मफुल है, तो वो आपकी ओवरऑल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। अफेक्ट करती है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है तो क्लाइमेट चेंज होता है। इसी वजह से जो है आप देख रहे हैं कि यूरोप में बहुत ज़्यादा कंट्रीज अनएक्सपेक्टेडली एक हीट वेव आई हुई है, वहाँ 38-40 तक डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है, और जो कि ये रीजन जो कि बहुत ही गर्म होता है यूजुअली, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इस वजह से जो है क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा, और इसी चीज़ को ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। तो बेसिकली इसको मिटिगेट करने के लिए और इसको बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो यही कर सकते हैं कि हम दरख्त उगाएँ, पौधे लगाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपकी जो हार्मफुल गैसेस हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी क्वांटिटी कम हो, क्योंकि हम हमारे मोस्टली पाकिस्तान में और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे मोस्टली जो व्हीकल्स हैं वो फ्यूल कंजम्पशन वाली व्हीकल्स हैं, तो ऑब्वियसली से बात है वो कार्बन एमिट करती हैं जो नुकसान करता है बहुत ज़्यादा। इसी तरह से जो है हम कचरा जो फेंक देते हैं रास्तों में, तो कचरा जो फेंक देते हैं तो ऑब्वियसली से बात है कि उसको फिर जलाया जाता है बाद में उसको ख़त्म करने के लिए, फिर इस वजह से जो उसके अंदर भी जो एमिशंस होती हैं वो जाके हवा में जब जाती हैं और उसकी उसकी क्वांटिटी जब बढ़ना शुरू होती है, तो इस तरह से जो है वो आपकी अर्थ जो है अनस्टेबल होती है और ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाती है। वही जो मैं प्रीवियसली बात कर रहा था कि कितना ज़्यादा कचरा जो है वो लोग फेंक देते हैं, तो अभी वही बारिश का मौका है और लोगों ने इस तरह से कचरा डंप किया हुआ है, तो बेसिकली यही चीज़ आपकी इन्वायरमेंट को हार्म करती है। इसमें वैसे एक पॉजिटिव एलिमेंट ये भी है कि प्रीवियसली बहुत ज़्यादा बारिश होने लगे, पानी जमा हो जाता था रोड्स पे, लेकिन इस बार जो है बारिश अगर हो भी रही है तो पानी इतना ज़्यादा नहीं खड़ा हो रहा, और ये बहुत अच्छी बात है। और ड्रेनेज का इंतज़ाम आई थिंक थोड़ा बेटर हुआ है, जिसकी वजह से जो पानी निकल रहा है, पानी रोड्स पे जमा नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और साहब, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग गुड। प्रीवियसली बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज की, तो अभी भी आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो चुका है और बारिश वाला मौसम है, और हम इसके इफेक्ट्स की बात कर रहे थे, इसके कॉज की बात कर रहे थे कि किस वजह से जो है क्लाइमेट चेंज आजकल हो रहा है। क्योंकि आपको मैंने बताया था प्रीवियसली हमारी जब बात हो रही थी, मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट चेंज इसलिए हो रहा है बिकॉज आपका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसका उसके अंदर जो कुछ हार्मफुल गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली फिर जो है आपकी जो अर्थ है उसकी स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ता है। और होता ही है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसके एमिशंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं आबो हवा में, तो वो अनस्टेबल होता है एनवायरनमेंट, उससे कि आपकी जो अर्थ के सर्फेस पर जो लेयर्स हैं, जो गैसेज हैं, उनका अफेक्ट जो है बढ़ जाता है। इसी वजह से जो है ये क्लाइमेट चेंज होता है, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाती है। इस हवाले से हमारी बात हो रही थी, अभी भी आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो चुका है, और अब तो ऐसा लग रहा है कि कराची में जो है वो ये चीज़ परमानेंट ही हो गई है कि रोज़ ही जो है बारिश वाला मौसम हो रहा है।
और बारिश हो ना हो लेकिन बारिश वाला मौसम जरूर हो जाता है। तो खैर ये खुशाइन बात भी है कि चलो अच्छा मौसम है, लेकिन ये कि थोड़ा सा अलार्मिंग ये है कि अब और दूसरी कंट्रीज में जैसे कि यूरोप वगैरह में बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, और यहाँ पे जो है वो बारिश वाला मौसम कुछ इस तरह के मामला चल रहे हैं कि यहाँ पे बारिश वाला मौसम हो रहा है और वहाँ पे जो है वो यूरोप वगैरह में बहुत गर्मी हो गई। हालांकि इससे प्रीवियसली हमेशा से यही होता है कि ठंड ज़्यादा होती है, यहाँ पे जो है वो गर्मी होती है यूजली। आज इस बार जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो हो चुका है, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। लाइक इसको मिटिगेट करने का तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दरख्त लगाएं, फूल लगाएं, पौधे लगाएं, ना कि आप जो है कचरा वगैरह डंप करें फेंकें। सर ये चीज़ ऐसी है कि हमारे मुल्क में क्योंकि अब व्हीकल्स भी सारी जो है ऑलमोस्ट लोग जो चला रहे हैं फ्यूल कंजम्पशन वाली हैं, तो फ्यूल से कार्बन एमिशंस जो है वो बढ़ती हैं, इसकी वजह से जो है एनवायरनमेंट आपका डिस्टर्ब होता है और फिर ये ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाती है। तो इतना कचरा फैला हुआ है हर तरफ और गंदगी हुई हुई है, इसकी वजह से मक्खियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं बारिश के। अभी आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल करना शुरू हो गए हैं 14 अगस्त के हवाले से, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना नीट एंड क्लीन और पीसफुल इन्वायरमेंट है। तो इसी तरह के इन्वायरमेंट की, इसी तरह से सफाई सुथराई की हमें ज़रूरत है कि हम इस तरह के पार्क्स बनाएं और इसी तरह से दरख्त वगैरह जो है लगाएं, ताकि इन्वायरमेंट जो है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो, साफ सुथरी हो। और वेल वी डेस्परेटली नीड नीट एंड क्लीन एनवायरमेंट। सो वीडियो को ख़त्म करने से पहले, क्लोज करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।